देखिए, लगातार कई महीनों से किसान जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं और किसान जानते हैं कि उनका भला किसमें है, किसान जानते हैं कि उनका भला किसमें है। सरकार के लोगों से लगातार वार्ता चल रही है लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। एक तरीके से साफ तौर पे ये दर्शाता है कि सरकार जो है अपनी बातें थोपना चाहती है उन किसानों पर जो देश को अन्न देने का काम करता है, जो अन्नदाता है। अगर किसान नहीं चाहते हैं वो कानून तो सरकार को वापस ले लेना चाहिए, ये होना ही नहीं चाहिए। और जहां तक वॉयलेंस की बात है, आपने भी देखा होगा इतने दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं, कहीं कुछ भी आपको खबरें नहीं आई। लगभग 100 से ज्यादा किसान जो है वो शहीद हो गए, लेकिन सरकार द्वारा एक ट्वीट भी नहीं किया गया। और लगातार आप देखिएगा, चाहे सीए हो, एनआरसी हो, इस तरह का कानून थोपा जा रहा है। लेकिन जो घटना हुई लाल किले पे, अगर हम कहें तो सारा देश जानता है कि लाल किला पे झंडा जिसने फहराया उसके ताल्लुकात किससे हैं। तो हमको इस पे ज्यादा टिप्पणी नहीं कहना। कई किसान संगठनों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है। और ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये जांच का विषय है। आश्चर्य है ना कि जो सीए एनआरसी में जो गोली चलाता है वो नहीं पकड़ा जाता है अब तक, जिसने फहराया भी झंडा वो क्यों नहीं पकड़ा गया, सवाल तो बनता है। वहां से किस हालात में वो भागा, क्यों भागा, ये सारे सवाल जो हैं ये खड़ा करता है। लेकिन आंदोलन को शुरुआती दिन से ही बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और हम लोग तो चाहेंगे कि भाई जल्द से जल्द इसका जो है निर्णय होना चाहिए। आने वाले 30 तारीख को भी हम लोग जो है महागठबंधन के साथ मानव श्रृंखला हम लोग मनाने का काम कर रहे हैं।